अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में। हल्की हल्की बारिश देख सकते हैं आप, इसी के साथ साथ जो है आसमान के खूबसूरत रंग बदलते, इस तरफ जो है बादल हैं और कुछ धूप भी नज़र आ रही है। मैं हूँ इस टाइम पर क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में और यहाँ से मेरा सफ़र है कराची कैंट की तरफ और हम जा रहे हैं कराची कैंट स्टेशन। वहाँ पर जाके ट्रेन का रिव्यू करेंगे इस खूबसूरत मौसम में। चलते हैं अपनी बाइक के हमरा स्टेशन पर जाने। शहर कायद का ये खूबसूरत स्टेशन है कराची कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर जो है पार्किंग टिकट लिया जाता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म के जाने आप दाखिल हो सकते हैं। तो चलते हैं और प्लेटफॉर्म पे दाखिल होते हैं पार्किंग टिकट वसूल करके। जब आप कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर दाखिल होते हैं तो कुछ इस तरह का मंज़र पेश करता है बाहर का। इस तरफ 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म है, जिस तरफ मेरे कैमरे का रुख है। और अगर इस तरफ बात की जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब चलते हैं और बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म के जाने। तो ये है खूबसूरत बिल्डिंग ब्रिटिश दौर की, जो कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। और इसी बिल्डिंग से जो है हम प्लेटफॉर्म के जाने दाखिल होंगे। इस तरह कुछ कराची कैंट रेलवे स्टेशन का मंज़र पेश करता है। और हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रौनक यही है कि यहाँ पर मुसाफिरों का आना जाना लगातार रहता है। यहाँ पर जो एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है इन्होंने और सारा जो लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर वाकई है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तमाम मालूमात हैं यहाँ पर, रिजर्वेशन ऑफिस कहाँ है, कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरफ पड़ेगा, किस तरफ आपने कहाँ जाना है, सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। अब चलते हैं बिल्डिंग के जानेब। और फाइनली दोस्तों कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं मौजूद हूँ इस टाइम पर। और एक खूबसूरत सा मंज़र देख सकते हैं आसमान का और सब्ज़े का, क्या खूबसूरत रंग निखर कर आ चुके हैं इस टाइम पर। और अगर बात की जाए टाइम की, 2:49 जो है 49 मिनट हो रहे हैं, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 3:11 बाकी हैं। और कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर आने का मेरा मकसद ये था 2024 के लेटेस्ट अपडेट आपको दूं, ट्रेन के हवाले से करंट रिव्यू करूं, जो कि मेरा होगा 41 अब कराकरम एक्सप्रेस का। कराची से लाहौर के दरमियान चलती है ये ट्रेन और आज इस ट्रेन का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये आ रहा है इसका कुछ इस तरीके से रैक, जो कि वॉशिंग लाइन से आ रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आके प्लेस हो रहा है। ब्रेक वैन के बाद जो है इकोनॉमी क्लास लगी हुई है, 2 नंबर 3 नंबर रैक, काफ़ी साफ सुथरा है इसका कराकरम का। सीएनआर कैसे नज़र आ रही हैं। बीच में एक सीआरआरसी वाली कोच भी इन्होंने ऐड कर दी है इसमें, जो कि ग्रीन लाइन के साथ मर्ज होती है इकोनॉमी क्लास की। अक्सरियत जो है इकॉनमी क्लास काफ़ी साफ सुथरी और सीएनआर नज़र आ रही हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर सीएफआई आ गई। तकरीबन 4 सीएफआई लगी हुई हैं इसके अलावा, ये तमाम इकॉनमी क्लास है। चौदह नंबर कोच
बिजनेस क्लास आ गई काराकोरम एक्सप्रेस की, और 15 नंबर कोच भी जो है बिजनेस क्लास है। और ये देखें एसी स्टैंडर्ड भी इस ट्रेन में एक मौजूद है, और एक जो है पुराना सीएफआई बिजनेस क्लास मौजूद है इसमें। तो टोटल 3 बिजनेस क्लास है, एक एसी स्टैंडर्ड है, और इसके अलावा जो है इकॉनमी क्लास की भरमार है। पावर वैन के बाद जो है लगेज आ गया काराकोरम में। जो के रोडी शेड की पावर है, आरजी लोकोमोटिव वर्क कर रहा है कराची के एंड पे, शंटिंग का काम कर रहा है। और अगर बात की जाए सामने लोकोमोटिव की, जो कि GU40 निकला, तकरीबन 4000 हॉर्स पावर का इंजन है ये, और मेरे ख्याल में यही काराकोरम एक्सप्रेस के साथ आके मर्च होगा 9033। की ब्यूटी देखें GU40 की, क्या खूबसूरत ब्यूटी है। चलते हैं, शॉर्ट टाइम है मेरे पास भी, और इस ट्रेन का रिव्यू करते हैं। चलते हैं इसके एसी स्टैंडर्ड के जाने, जो कि 13 नंबर कोच है। ये डोर लगा हुआ है, अंदर का कुछ इस तरह का मंजर है इसका। ये 6 पर्सन का होता है, 1 2 3 1 2 3। और अगर ऐसे देखा जाए सामने ये भी सीटें हैं, और ये भी बर्थ की शक्ल इख्तियार की हुई, देखें वो फोल्ड हुई है, बंद हुई है, और ये खोली हुई है, मतलब दो मुसाफिर जो हैं यहाँ जो सिंगल सिंगल बैठते हैं ये रात को इजीली सो सकते हैं। 7050 रुपये इसका फेयर है कराची से लाहौर का, और देख सकते हैं एक ही स्टैंडर्ड, एक ही एसी स्टैंडर्ड की कोच मौजूद है, और उसमें जी मेरे तमाम ही रश है। सके दोस्त आप जानते हैं कि किराए आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं, तो 7050 रुपये चल रहा है इसका फेयर एसी स्टैंडर्ड का। ये कराची कैंट छावनी का मंजर है। एसी स्टैंडर्ड कैप्चर करने के बाद मैंने सोचा यार GU40 की कपलिंग भी दिखा दी जाए, जो कि इस ट्रेन के साथ अटैच होगा। कराची से लॉर्ड लीड कर रहा है आज इसको GU40 9033। कपल होता है इंजन, और इसके अलावा प्रेशर पाइप बिठाए जाएंगे, और इसके बाद इंजन फिट हो जाएगा ट्रेन के साथ। तो ये है इसका एसी बिजनेस क्लास। चलते हैं एसी बिजनेस की तरफ। वैसे तो पूरी ट्रेन का फुल है, अगर कोई कंपार्टमेंट खाली मिला तो उसका रिव्यू करेंगे, अदरवाइज वैसे ही आ जाएंगे। बिजनेस क्लास का शॉर्ट सा रिव्यू है, क्योंकि ट्रेन कम्प्लीटली फुल है। तकरीबन 8900 रुपये इसका किराया चल रहा है, 6% का केबिन होता है प्रॉपर्ली, बस ये। बाकी इसके अलावा मैं नहीं दिखा रहा, क्योंकि हर जगह जो है पब्लिक फुल है इस ट्रेन में, बिल्कुल भी जगह नहीं है इस ट्रेन में। चलते हैं दोस्तों इकॉनमी क्लास की तरफ, जो कि एक CFI कोच है। सिक्स
6% का केबिन है ये, और इसी के साथ सामने ये सीटें मौजूद हैं। इसका फेयर जो है 4,000 रुपये चल रहा है कराची से लाहौर का। और अगर इन सीटों की बात की जाए, इन सीटों पर बैठ के सफ़र करना है आपने, ये बर्थें आपको नहीं चाहिए तो 3900, सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क है। ये था शॉर्ट से रिव्यू आज का हमारा, और अब हम चलेंगे इंजन के जानिब और इस ट्रेन का डिपार्चर कैप्चर करेंगे। कराची कैंट रेलवे स्टेशन का आप मसरूफियात देख सकते हैं, किस तरीके से एक ट्रेन का अराइवल हो रहा है। और ये जो ट्रेन थी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, ये जा रही है वॉशिंग लाइन के जानिब तेजगाम एक्सप्रेस, और इधर 1 नंबर पर कराकरम मौजूद है। जैसा कि दोस्तों आपने इस ट्रेन का रिव्यू देखा, तो इस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी तफसीलात भी मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रेन कराची से लाहौर सफ़र करती है वाया फैसलाबाद। इसी के साथ साथ जैसा कि आप विसिल की आवाज़ सुन रहे हैं, सामने कराची लोको शेड है इस बिल्डिंग के बैक साइड पे, जहाँ पर तमाम इंजन का घर है, मतलब घर है समझ लें, जहाँ तमाम इंजन की मरम्मत वगैरह और फ्यूलिंग वगैरह होती है। जैसा कि दोस्तों आपने इस ट्रेन का रिव्यू देखा, अब इस ट्रेन की मालूमात के हवाले से भी थोड़ा सा आगाही कर दूं आपको कि ये ट्रेन रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना कराची से 3 बजे रवाना होती है और सुबह 9:20 पर लाहौर जंक्शन पहुंचती है। और अगर इस ट्रेन के रूट की बात की जाए, कराची से हैदराबाद रोड़ी, रोड़ी के बाद भावलपुर, भावलपुर से ये झानिया वाली ब्रांच लाइन लेती है और खानेवाल, खानेवाल से तोबा टैक्सिंग इसका स्टॉप है, खानेवाल स्टॉप लेने के बाद तोबा टैक्सिंग के बाद जो है ये फैसलाबाद, फैसलाबाद लाहौर, इसके टोटल 6 स्टॉप हैं कराची कैंट से निकलने के बाद। 18 घंटे 20 मिनट का एक सफ़र करती है ये। मतलब 3:14 पर इसका डिपार्चर विसिल हो गया है कराची कैंट से कराकरम एक्सप्रेस का, और अब मूव करेगी ये की बूंदाबांदी भी शुरू हो रही है, और इसी के साथ साथ कराकरम एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। 3:15 पर आज कराची गेट से रवाना हो रही है।
ये थी दोस्तों कराकोरम एक्सप्रेस, जिसका डिपार्चर हमने यहाँ पर देखा। इसी के साथ मेरी इस वीडियो का भी इख्तिताम होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।